पहले चोट और बाद में कोरोना संक्रमण के कारण भारत के दिग्गज खिलाड़ी केएल राहुल वेस्टइंडीज दौरे से बाहर हो गए। आपको बता दें कि अब उनकी जगह बीसीसीआई ने रिप्लेसमेंट के तौर पर एक नए खिलाड़ी को टीम में शामिल कर लिया है। साथ ही बीसीसीआई ने इस बात की जानकारी खुद दी है और केएल राहुल के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में एक नए खिलाड़ी को शामिल कर लिया गया है। आपको बता दें कि बीसीसीआई ने इस बात की जानकारी दी और बताया कि वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में केएल राहुल के बदले विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को टीम में शामिल किया गया है। साथ ही केएल राहुल का नाम स्क्वाड से हटा दिया गया है और संजू सैमसन को उनके बदले टीम में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी, जिसका पहला मुकाबला 29 जुलाई को रात 8 बजे भारतीय समय अनुसार शुरू होगा। मुकाबला ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम वेस्टइंडीज दौरे पर पहले 3 मैचों की वनडे सीरीज खेल चुकी है, जहां टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को उसी के घर में पहली बार 3-0 से क्लीन स्वीप किया और अब टीम इंडिया टी20 सीरीज के लिए तैयार है। आपको बता दें कि संजू सैमसन वेस्टइंडीज दौरे पर वनडे टीम का हिस्सा थे और उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस भी दिया था। संजू सैमसन ने अर्धशतक भी लगाया था, साथ ही बल्ले से कमाल किया था। ऐसे में अब उन्हें टी20 सीरीज में भी शामिल कर लिया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वनडे और टी20 दोनों ही सीरीज के लिए अलग अलग खिलाड़ियों की घोषणा की गई थी। संजू सैमसन को वनडे सीरीज में शामिल किया गया था, लेकिन टी20 स्क्वाड में उन्हें शामिल नहीं किया गया था। लेकिन अब केएल राहुल के कोरोना संक्रमण के बाद संजू सैमसन को टीम इंडिया में शामिल किया गया है। इस बात की जानकारी खुद बीसीसीआई ने दी है। आपको बता दें कि केएल राहुल साउथ अफ्रीका दौरे से पहले चोटिल हो गए थे, इसके बाद उनकी सर्जरी हुई जिसके लिए वह जर्मनी रवाना हुए और उन्होंने सर्जरी की रिकवरी साथ ही सर्जरी होने के बाद तमाम अपडेट्स अपने फैंस को भी दी थी। सोशल मीडिया के जरिए केएल राहुल ने बताया था कि उनकी सर्जरी हो चुकी है और वह खेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बता दें कि सर्जरी के बाद केएल राहुल रिकवर होने लगे थे और उन्होंने एनसीए में जाकर के प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दिया था। केएल राहुल प्रैक्टिस करते हुए और नेट्स पर पसीना बहाते हुए नजर आए थे, जिसके बाद उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में शामिल किया गया था और उम्मीद थी कि केएल राहुल वेस्टइंडीज दौरे पर वापसी करेंगे। लेकिन दौरे से पहले केएल राहुल कोरोना की चपेट में आ गए और उन्हें आइसोलेशन में रहना पड़ा। लेकिन आपको बता दें कि केएल राहुल की कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, लेकिन बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने उन्हें सलाह दी है कि वह कुछ दिन और आराम करें, साथ ही आराम करने के बाद टीम इंडिया में वापसी करें। आपको बता दें कि कोरोना के बाद केएल राहुल को आराम करने की सलाह दी गई है, क्योंकि केएल राहुल को थोड़ी सी कमजोरी बताई जा रही है। फिलहाल बात करें अगर भारत और वेस्टइंडीज दौरे की, तो टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 29 जुलाई को खेला जाएगा, दूसरा मुकाबला 1 अगस्त को होगा और तीसरा मुकाबला 2 अगस्त को होगा। साथ ही चौथा और पांचवा मुकाबला 6 और 7 अगस्त को अमेरिका में खेला जाएगा। वहीं बात करें अगर भारतीय टीम की, तो रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज खेलेगी। साथ ही इस टीम में दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ियों की वापसी हो रही है। इसके अलावा टीम में कुलदीप यादव भी लंबे समय के बाद वापसी कर रहे हैं। आपको बता दें कि अगले महीने टीम इंडिया को जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है और ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया की कप्तानी केएल राहुल संभाल सकते हैं। बहरहाल क्या कुछ होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी टीम इंडिया के लिए एक बड़ी खबर कि केएल राहुल के बदले संजू सैमसन को वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में शामिल कर लिया गया है। क्या कुछ आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।